गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्टोरी सुन के अच्छा लगा होगा। और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शालीमाई खूबसूरत कहानी, और आप सुन रहे हैं क्या ये मोहब्बत है ? तो खैर, आपने पिछले एपिसोड को काफ़ी इन्जॉय किया होगा और आपने काफ़ी पेशेंस और धैर्य के साथ अपना साथ बनाए रखा हमारे साथ, उसके लिए थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको क्या ये मोहब्बत है ? तो उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा और आप इस स्टोरी से काफ़ी खुश होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे होता क्या है, प्रीवियस पार्ट दे लेते हैं क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है और शायद आप प्रीवियस भूल चुके हो कि बीते वक्त में हुआ क्या। उम्मीद है जो लोग इतनी गहराई और डीपनेस के साथ सुन रहे होंगे उनको तो बाखूबी याद होगा, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा हुआ कि हमारी जो अभ्यांशी को हमारी रैना छेड़ते हुए, उनको उकसाते हुए, उनके नोजी पे पिंच करते हुए भाग जाती है, उनके हाथों से उनकी पकड़ ढीली होती है और कहती हैं हमारी अभ्यांशी ये सही नहीं किया। तो कहती हैं कि कहते हैं ना कि सब सही होता है प्यार और जंग में। तो चलिए आगे सुना, थोड़ा बहुत तो आगे का सुना दिया। तो एज ए नोक झोंक होते हुए उन दोनों की ज़िंदगी तो नहीं कहेंगे मगर वो दिन, वो वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो इधर जो कंगना होती है और जो उनका भाई होता है आशीष, वो दोनों मतलब अलग ही जोन में होते हैं यार। उनका समझ ही नहीं आ रहा होता किस जोन में जा रहे होते हैं। आशीष जो होता है वो अभ्यांशी से बेहद नाराज़ होता है, इसलिए पता नहीं किस लिए। अब इधर अभ्यांशी को अब अपने बेड पे बैठने के बाद वो सारे मोमेंट्स याद कर रही होती है। यार ये तो सच है कि बीते हुए वक्त को याद करना काफ़ी अच्छा लगता है। जो लोग अपने बीते हुए वक्त को याद करते हैं वो जानते होंगे कि कैसी फीलिंग है, अच्छी है या बुरी है। खैर, हम जो वक्त गुजारते हैं किसी के साथ वो हमें 2 सेकंड की खुशी बट देख ज़रूर जाता है। वो उन दोनों के बीच हुई वो कहा सुनी और जो वो प्यारे प्यारे मोमेंट्स और जो एक रात वो एक दूसरे के साथ गुजारे होते हैं और उसमें कोई और नहीं होता। कहीं ना कहीं हमारी अभ्यांशी के दिमाग में कंगना की बातें खटक रही होती हैं। कहती कि चाहती क्या है, उस वक्त तो मैंने इसको माफ़ कर दिया था, इसको छोड़ दिया था कि ये मेरी फ्रेंड है इसलिए, बट इसने जो किया है ना इसको ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। यार ये रहना इतनी अच्छी क्यों है यार, सबको इससे प्यार हो जाता है, मेरे को तो मन करता है ना। फिर तब तक नहीं 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 मेरी वाइफ है, ऐसा कुछ नहीं। फिर वो अपने बाहों का ही घेरा बना के उसको महसूस करते हुए, फील करते हुए बेड पे लेट जाती है और सोचने लगती है रैना के बारे में, और रैना के बारे में सोचते हुए उसको बड़ी खुशी मिल रही होती है। उस खुशी का अंदाज़ा तक नहीं होता कि उसको कितनी, मतलब वो मुस्कुरा रही होती है। जो अकड़ू खड़ूस घमंडी बिगड़ैल सब कुछ सब लोग बोलते हैं, तो मेरा मानना एक है कि मतलब जो हम किसी को जज करते हैं कि वो ऐसा ही है ऐसा ही होगा, बट वो वैसा नहीं होता। पता है अगर उसकी गहराई में उतर के देखोगे तो वो काफ़ी खूबसूरत इंसान होता है। तो खैर, हमारी अभ्यांशी भाई खूबसूरत तो थी मगर दिल से, मन से, तन से, सब कुछ से खूबसूरत थी। तो तब तक हमारी जो मैडम है रैना, वो नॉक नॉक करती हैं मतलब वॉशरूम से। कहती क्या हुआ? कहती कि वो ना मैं टॉवल लेना भूल गई हूँ, तो क्या तुम मुझे पास कर दोगे? तो कहती हैं हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो वो जाती हैं और उनके कपड़ों से उनका टॉवल निकालती हैं, और क्योंकि वो कभी भी होटल या कहीं बाहर का टॉवल हमारी रैना को यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, तो अभ्यांशी उनका टॉवल उनको ला के देती हैं। जैसे वो हाथ बढ़ाती हैं तो उनको शरारत सूझती हैं हमारी अभ्यांशी को, मतलब वो इतने वक्त में या यूँ कह ले इतना वक्त गुजारने में
वो एक दूसरे के साथ भले रहे होते हैं, मगर कभी रैना ने उसके साथ शरारत या ऐसी कुछ चीज़ें नहीं की होती है। जो अवयंशी जो होती है ना, एकदम अलग थलग चीज़ें देखी होती है उसकी, मगर रैना जो होती है अब उसकी बचकानी हरकतें और मतलब वो सारी चीज़ें जो बचपना वो सब देख रही होती है, तो उसको अच्छा लग रहा होता है। तो हमारी अवयंशी के दिमाग में शैतानी, तो वो उसके हाथ पे बार बार हटा हटा लेती है टॉवल को, तो कहती क्या कर रहे हो यार, मत करो ना परेशान। तो ये देखिए क्यों मुझे धक्का देके भगी थी ना, अब परेशान हो। कहती मैं वॉशरूम में पूरे दिन बैठी रहूँगी। तो कहती है ठीक है बैठ जाओ, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं भी आ जाती हूँ। तो कहती हैं कि सोचना भी नहीं कि मैं बैठूँगी वॉशरूम में तो आपको आने को मिलेगा। तो कहती ओ ऐसा, तुम आने नहीं दोगी मुझे? तो कहते हैं नहीं। कहते हैं ठीक है तुम्हारी इच्छा, जैसा करना हो कर सकती हो, मैं जा रही। तो कहते नहीं नहीं मैं आती हूँ ना, प्लीज़ अब दे दो डॉल। तो कहते हैं नहीं दूँगी। तो जैसे ही वो टॉल देने की बारी आती है, उसका हाथ वो इस बार अवयंशी पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद वो उसको बाहर की तरफ खींच रही होती है, और रैना जो होती है वो अंदर की तरफ। इन दोनों की खींचातानी में है क्या ही हो, कुछ समझ ही ना है। इधर इनके जो दादाजी होते हैं अवयंशी के दादाजी और दादी, उनकी माँ जया जी काफ़ी परेशान होते हैं घर का जो माहौल होता है। आयशा तो बच्ची होती है मगर इतनी भी नहीं कि वो चीज़ें समझ ना पाए, वो चीज़ों को समझ लेती है मगर उस वक्त वो रिएक्ट नहीं करती हैं। खैर खुशी से अच्छा बुरा जो भी था, हमारी जो मैडम अवयंशी होती हैं वो सबका ध्यान तो रखती हैं, बट अब वो उनकी खुशी उनको मिल रही होती है तो वो कहीं ना कहीं अपनी खुशी में खो रही होती हैं। और इधर इनके घर वाले परेशान हो रहे होते हैं, ये कंगना आशीष और ये अवयंशी और रैना के बीच जो ये कोल्ड वॉर चल रहा होता है वो कहीं ना कहीं घर वालों को परेशान कर रहा होता है। इधर जो रैना की माँ होती हैं वो परेशान होती हैं, और उनके पिताजी भी परेशान होते हैं इस वजह से कि उनकी तबीयत अभी थोड़ी सी ख़राब हो रही होती है, क्योंकि तबीयत थोड़ा सा होते ना ऊपर नीचे होता रहता है, तो उनके पिताजी का तबीयत इधर उधर हो रहा होता है। खैर थोड़ी बहुत परेशानी सबके लाइफ में होती है। इधर लड्डू और हमारी जो स्नेहा होती है भाई, ये एक दूसरे को पाके बड़ा खुश होते हैं। स्नेहा बड़े बेताबी बड़े बेकरारी से सुबह का इंतज़ार करती हैं, और तकिए को बाहों में भर के सोती हैं, और कहती हैं हाय कब आएगा वो दिन फिर से जब मैं उसको फिर से अब हक करूँगी। और ऐसे तकिए को लेके लेटी होती है, फिर कहती हैं कि क्या फ़ोन करूँ मैं उसको? नहीं नहीं यार बिल्कुल नहीं, क्या पता वो भी इंतज़ार कर रही हूँ। तो फिर ऐसे सोचते सोचते वो फ़ोन आखिर में लगा ही देती हैं। तो हमारे इधर से जो मैडम होती हैं लड्डू, वो फ़ोन उठाती हैं। फ़ोन उठाने के बाद बोलती हेलो क्या हुआ, नींद नहीं आई? डायरेक्ट वो लड्डू ये क्वेश्चन पूछती हैं, तो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा ही कॉल है? तो कहती है इतनी रात में मुझे कोई कॉल नहीं करता। तो कहते हैं कि घर वाले फ्रेंड्स रिश्तेदार दोस्त कोई भी कर सकता था, तो मैं सब सब कहती हैं कि इस नंबर पे किसी का कॉल नहीं आता। तो कहती है क्या तुमने मुझे प्राइवेट नंबर रखा हुआ है? तो कहती हैं कि नहीं, बट इतना पता है कि इस टाइम किसी का कॉल नहीं आता। तो कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, फिर तुम कर क्या रही थी? तो कहती हैं कि कुछ नहीं बस अभी बात लेके आई हूँ। तो कहती हैं बात लेके आई हूँ? तो कहती हैं हाँ, तो मैं वीडियो कॉल करूँ? तो कहती हैं ओह हेलो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो रही हो, मतलब जब से मैंने हाँ बोला है। तो कहती हैं कि क्या फास्ट फॉरवर्ड मतलब, तो मैं बात लेके आई हूँ तुम्हें कॉल क्यों करना है? तो कहती हैं कि बस ऐसे ही तुम्हें जस्ट देखने का मन, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले छोड़ के गई हो तो अभी देखने का मन कैसे करती है? तो कहती हैं अरे यार तुम सवाल बहुत पूछती हो यार।
तो कहती है अच्छा ठीक है करवा। तो वो टावल में होती हैं हमारी लड्डू, और इधर जो हमारी मैडम जो स्नेहा होती है उनका दिमाग में खिचड़ी अलग ही पकड़ी होती है कि उनको बात गाउन में या मतलब जैसे भी होगा वो देख पाएंगे। तो जब वो कॉल लगाती हैं तो हमारी लड्डू भी काफ़ी चालाक काफ़ी होशियार, वो भी फेस के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता उनको। तो कहते हैं कि तुम असल फेस पे ही क्यों फ़ोन को रखा हुआ है, थोड़ा दूर से बात कर सकती हो लड्डू। तो कहती हैं कि मतलब सही बता रही हो ना, इतनी गंदी हो। तो कहती हैं कि क्या मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला। कहते सीधे सीधे बोलो ना तुम फोन क्यों किया। तो कहती हैं कि अरे तुम ऐसे भटक क्यों रही हो। कहती हैं नहीं मुझे ना बात ही नहीं करनी, वो फ़ोन काट के फ़ोन फेंक देती हैं बेड पे। तो कहती है दिमाग में शैतानी चलता रहता है, ये मतलब सबके दिमाग में यही चलता है क्या। तो कहती है सब में तो मैं भी आती हूँ, मेरे दिमाग में नहीं 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 मेरे दिमाग में लड्डू ऐसे बोलते नहीं, नहीं मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। और फिर हमारी जो स्नेहा होती है फिर से कॉल लगाती हैं, फिर से रिंग बजता है, फिर से फ़ोन उठाती हैं और वो भी वीडियो कॉल ही होता है, उठा के बोलती हैं क्या है। तो कहती हैं कि फ़ोन क्यों काटा। तो कहती हैं कि ऐसे बोलोगे तो मेरे को फ़ोन नहीं काटोगे तो चाटा भी दूंगी। तो कहती हैं कि क्या तुम मुझे मारोगी। तो कहती हैं कि अभी एक दिन हुआ नहीं है, अभी एक दिन भी नहीं हुआ है प्रपोज़ किए हुए और तुम मुझे मारने की बात कर रही हो। मैं तुम पे ना तुम पे तो कहती हैं क्या तुम पे मैं तुम पे केस कर दूंगी। तो कहती हैं किस बात का केस और कौन सा केस, क्योंकि तुम मुझे मारती हो। तो कहती हैं कि किस किस बेसिस पे करोगे, हाँ क्या बताओगे। तो मैं बोलूँगी कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये मुझ पर अत्याचार कर रही है। तो कहते हैं जब वो गर्लफ्रेंड बोलती हैं तो हमारी जो लड्डू होती है इस शर्म से लाल हो जाती है और काफ़ी ब्लस करते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो कहते हैं नहीं ना तुम ऐसे ही बात करो। तो कहती हैं कि ज़्यादा ना चालाक मत बनो, मुझे पता है कि क्या देखने के लिए फ़ोन किया हुआ है। तो कहती हैं कि क्या देखने के लिए किया हुआ है लड्डू, वो बता बता। तो कहते हैं कि ज़्यादा मत कर नहीं तो सुबह मैं बताऊँगी। तो कहती हैं कि अरे यार तुम कैसे मतलब पैसे कर रही हो यार। तो कहते हैं कि ऐसे कॉल रख दो और चेंज कर लो। तो कहती हैं कि बेशरम क्या मतलब क्या बोलूँ, एक दिन सही बोलो एक दिन नहीं हुआ ये सारे रंग दिखा रहे हो हैं। तो कह रहे कि ठीक है आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। स्नेहा मस्ती करते करते थोड़ा सा सीरियस हो जाती हैं और वो फ़ोन रख देती हैं। तो फिर लड्डू कहते हैं कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, खैर मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ फिर मैं कॉल लगाती हूँ या मैं अभी लगाऊँ। तो फिर वो सोच के फिर से कॉल लगाती हैं हमारी मैडम को स्नेहा को और कहती हैं कि हाँ अब बोलो, यही चाहते थे ना कि मैं आपके सामने चेंज करूँ, मैं कर रही हूँ ठीक है खुश। तो कहती हैं कि नहीं नहीं तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो ज़रूरत नहीं है, और मैं मजाक कर रही थी लड्डू ऐसा कुछ नहीं है, तुम चेंज कर लो मैं उसके बाद कॉल करती हूँ। थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्नेहा का नेचर थोड़ा सा सीरियस हो चुका होता है, मतलब बातों को लेके जो बात वो बोली होती है लड्डू उस बात को लेके थोड़ा सा सीरियस या कहें बुरा लग चुका होता है उनको। तो कहते हैं कि पर फिर वो फ़ोन तुरंत रख देती हैं। फिर लड्डू कहते हैं कि ठीक है मैं चेंज कर ही लेती हूँ, और वो जाती हैं फ़ोन को साइड रखती हैं और कपड़े चेंज कर लेती हैं। फिर इधर जो होता है हमारी रैना और अव्यांशी का नोक झोंक का मैटर चल ही रहा होता है, खींचतानी चल ही रही होती है। तब तक दरवाज़ा हमारी रैना से छूट जाता है, मतलब स्लिप हो जाता है, वो गिली होती हैं तो दरवाज़ा छूट जाता है और दोनों मतलब ऐसे गिरते हैं जैसे वॉशरूम में हमारी जो मैडम होती हैं रैना वो नीचे होती हैं और अव्यांशी उनके ऊपर होती हैं, या यूँ कह लें कि पूरी तरह से अव्यांशी रैना को कवर कर ली होती हैं, कुछ कहीं से नहीं दिख रहा होता है। तो कहती हैं ओ माय गॉड कितनी भारी हो यार तुम,
तो कहते हैं कि ओ हेलो, मेरे शरीर पे खुद गिरे हो और मैं भारी हूँ, ठीक है मैं बताती हूँ, घर चलो। तो कहती हैं कि क्यों घर, क्यों बताओगी, यहीं बता दो जो बताना है। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे घर बताना है, चलो। तो कहते हैं यार तुम ना धमकी बड़ी देती हो। तो कहती हैं कि हक है मेरा। तो कहती हैं कि अच्छा कौन सा। तो कहती हैं कि शादी किया है, वाइफ हूँ, ठीक है, तो बोलना नहीं। तो कहती हैं कि ओ सो सैड ना, मेरे साथ बड़ी जाती हुई है, आकांक्षी बोलती हैं। तो रहना जवाब देती हैं कि क्या जाती हुई है आपके साथ। हाँ जाती तो मेरे साथ हुई है, अकड़ू अड़ियल खड़ूस, तो जैसे इंसान को मेरे पल्ले बांध दिया। हाय मेरी मम्मी जी ने ना, पता नहीं जब आप पेट में थे तो क्या खा के आपको पैदा किया था, ऐसा दांत पीसते हुए थे। कहती हैं है तुम ऐसे गुस्साते हुए ना बड़ी अच्छी लगती हो रहना। तो कहती हैं कि हाँ हाँ अच्छी तो लगूंगी, रुक जाओ एक बार उठो मेरे ऊपर से फिर मैं बताती हूँ। तो कहती हैं कि फिर क्या करोगी किसी। तो कहती हैं कि शर्म कर लो यार, शर्म कर लो, ठीक है। तो कहती हैं क्या शर्म कर लो, जिसके मतलब होते ना कि जो किया शर्म उसके फूटे कर्म। अब तो हमारे बीच सब हो गया है, तो अभी शर्म करने की बात नहीं है, अभी सब करने की बात है। तो कहते अच्छा ऐसा। तो कहते हैं कि हाँ। तो कहते हैं हटो मेरे ऊपर से। तो उनको हटाती हैं, जैसे वो खड़ा होती है वो खुद को देखती हैं, वो शर्म से पानी पानी हो उठती हैं और उनका फेस अब अभियांशी से दूसरी तरफ टर्न हो चुका होता है और वो अपने हाथों को अपने बदन पे कवर करते हुए खुद को से मतलब बहुत तरह की एक अनसेफ फील तो नहीं होता मगर बहुत तरह की थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है। तो थोड़ा सा कवर करके खड़ी होती है, तो रहना खड़ी होती है और अभियांशी वैसे ही फर्श पे लेटी हुई होती है। वो फिर ऐसे उनको ऑकवर्ड सिचुएशन में देख के थोड़ा सा रहना ऑकवर्ड हो रही होती है और हमारी अभियांशी भी, हालांकि उन दोनों के बीच सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं फिर भी थोड़ा सा दो चीज़ें रहता ही है। तो वो उठती है और उसको टावल से उसको अच्छे से कवर करती है और उसको कवर करने के बाद उसको गोद में उठा लेती है और जैसे ही वो कवर करती है तो रैना को काफ़ी ये चीज़ अच्छा लगता है कि मतलब वो जितनी अड़ियल और खड़ूस है उतनी केयरिंग और लविंग भी है। वो चीज़ उसको कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके जहन में वो चीज़ छप जाती है और उनको वो लेके जाती है, उनको पैड पे रखती है और ड्रायर लेके आती है, ड्रायर से उनके बालों को वो फिर से अच्छे से प्यार से सुखाती है और वो उस वक्त उनके कपड़े निकालती हैं। और हालांकि हमारी अभियांशी को वेस्टर्न पसंद नहीं होता है बट वो उनके लिए वेस्टर्न कपड़े लेके आती हैं और कहते हैं कि आज तुम ये पहनो अच्छी लगोगी। तो वो मिनी स्कर्ट टाइप का कुछ होता है और मिनी स्कर्ट और उस पे क्रॉप टॉप और उस पे डेनिम की जैकेट उनको देती है, कहते कि तुम ये पहनो अच्छा लगेगा। तो वो देने के बाद कहते कि मैं जाऊँ। तो कहती है कि नहीं, नज़रों से इशारा करती है नहीं। हमारी जो अभियांशी होती हैं वो फिर से कहते हैं कि क्यों। तो कहते कि बस यूँ ही वो नज़रों से इशारा दे रही होती हैं रहना। तो वो कहती है अच्छा ठीक है तुम ये पहन लो, मैं आज तुमको तैयार करती हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है। वो कपड़े पहनने के लिए कहते कि पहनो, तो कहते कि अब वो सोच में पड़ जाती है कि कैसे पहने। वो सामने खड़ी होती है और वो अभी जो इंसिडेंट हुआ होता है उससे अभी उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही होती है। जो हमारी रहना होती हैं वो बार बार यूँ कहते कि बार बार बोले जा रहे हो यार आप डन क्यों नहीं हो रहे हो। तो कहती हैं कि अच्छा वो सॉरी मैं टर्न होती हूँ ना, तो बट टर्न क्यों आना रहना, सामने चेंज कर लो ना, जैसे कि अभी
तो फिर से उसके गाल हमारी रैना के लाल हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मसार हो जाती है और कहते हैं कि प्लीज़ यार मत ऐसा करो ना। तो कह रहे ऐसा ठीक 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 है, मजाक कर रही थी, टर्न हो रही हूँ, चेंज कर लो। तो वो जैसे टर्न होती है जल्दी से, ये रहना हमारी जो कपड़े निकाल के दी होती है प्रॉपर, उनके प्रॉपर कपड़े जो उनके गारमेंट्स तक वो निकाल के देती है। जब वो पहन उनके खड़ी होती है पीछे और उनको टैप टैप करती हैं, तो कहती हैं कि मैं तैयार हो गई। तो कहती हैं कि काफ़ी अच्छी लग रही हो। तो ड्रायर फिर उसको लगाती है, उनसे बालों को सुखाती है। बालों को सुखाने के बाद उनको मिरर के सामने, जो उनके रूम में जो मिरर होता है उसके सामने लेके जाती है और उनका मेकअप बॉक्स निकालती है। उनको बड़े प्यार से, बड़े सुकून के साथ तैयार कर रही होती है। ना खोने का ना पाने का कोई डर नहीं होता। रहना और अव्यांशी एक दूसरे को बड़े प्यार से देखे जा रहे होते हैं। रहना को वो प्यार, और इतने प्यार के साथ कि मतलब बस प्यार ही प्यार हो। उनके हाथों में वो बैंगल्स पहनाती हैं और उनके होठों पे लिपस्टिक सजा रही होती है, बट उसका हिल जा रहा होता है बार बार। तो कहती है ठीक है रहने दो, मैं लगा लेती हूँ। तो उन्हें कहती है नहीं मैं लगाऊंगा। तो कहती कि ठीक है मैं लगा लेती हूँ ना, आप दे दो। तो देती हैं, वो लगाती हैं। फिर आँखों में काजल सजाती हैं और उनके कानों में एक बड़े प्यारे से झुमके डालती हैं और एक पेंडेंट वो लेके आई होती है और वो पेंडेंट उनको पहनाती हैं उनके गले में। और उसके बाद उनके आँखों को बड़े प्यार से आईलाइनर और मस्करा के साथ सजाती हैं। सजाने के बाद उनके फेस को थोड़ा सा टचअप देती हैं और कहती हैं कि हाँ अब हो गई तैयार। ये उसको कहते हैं नेचुरल ब्यूटी, बिना किसी प्रोडक्ट के इतनी खूबसूरत। हाय मेरी वाली ही लग सकती है। तो कहते हैं आप बस कर दो यार, और आज ना आपको हुआ क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है और आगे क्या बोलती हैं।